कैसे हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको YouTube पे जाना है, अपने फ़ोन में क्रोम पे जाने के बाद पहले हमें यहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे आ चुका है अपना डेस्कटॉप साइट। तो यहाँ पे अपना आइकॉन के पास जाएंगे जूम करके, और यहाँ पे आते हैं और अपना यहाँ पे आपको जाना है योर चैनल, आपको जाना है यहाँ पे योर चैनल पे। योर चैनल पे आने के बाद आप यहाँ पे कस्टमाइज चैनल इस पर क्लिक कर देना है। तो अब हम ब्रांडिंग पे जाते हैं। तो हमें हमारा आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हम अपने चैनल के बैनर कैसे लगाएं, जो कि अपडेट के बाद पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तो कई वीडियो पे दिखाया गया था कि चैनल कस्टमाइज पे जाने के बाद आपको आपके सामने जो कि बैनर आ जाता था और वहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब ने जो कि नया फीचर दिया है तो यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे पहला तो आपका यहाँ पे लोगो या फिर आपका फ़ोटो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे बैनर इमेज, तो यहाँ पे बैनर इमेज पे हम क्लिक करेंगे अपलोड। तो यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक कर चुके हैं, तो अपलोड पे क्लिक कर के आ चुका है कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पे जो मैंने एक बैनर बनाया है तो वो लगाएंगे हम। तो ब्राउज पे जाते हैं, ये कुछ बैनर्स है। तो मेरा जो ये है 1 MB का, तो हम ये सिलेक्ट करते हैं। देखिए 6 MB से कम का है तो ये आराम से आ चुका है। तो ऐसा कुछ दिखेगा टीवी पे जो पूरा स्क्रीन दिखाएगा, और डेस्कटॉप पे कुछ इतना स्क्रीन दिखाएगा, और अपने फ़ोन पे ये बीच वाला, ठीक है। तो हमें डन कर देना। यहाँ पे डन हो चुका है। तो बस डन होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जूम करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कुछ इस तरह दिखेगा टीवी में कुछ इस तरह से, और लैपटॉप में कुछ ऐसा, और फ़ोन में कुछ इस तरह से। और यहाँ पे वीडियो वाटरमार्क, तो आप यहाँ पे एक तरह का वाटरमार्क डाल सकते हैं। तो वाटरमार्क डालने के लिए सबसे पहले आपको एक लोगो तैयार करना है, या फिर आपका चैनल का फ़ोटो या फिर पिक। तो और GIF डाल सकते हैं, जो कि देखिए एनिमेशन नहीं होती है उसमें, ठीक है। PNG भी डाल सकते हैं आपको जो है, लेकिन 1 MB से कम होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मेरे पास एक है, ये है, डाल देते हैं। मेरा साइज देख चुके थे आप कितना था, तो डन कर देते यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा तो ये एक ऑप्शन एंड ऑफ वीडियो, जब आपकी वीडियो ख़त्म होगी तब ये दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहते तो ख़त्म होने पे दिखाए तो ख़त्म होने पे दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत में दिखाए, शुरुआत के 5 सेकंड में, तब वो दिखाएगा। चाहे तो अब एंटायर वीडियो पे दिखाना चाहते हैं तो एंटायर वीडियो में कर दीजिए, पूरी वीडियो में आपको वो लोग दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर पूरी वीडियो में करूँगा क्योंकि पूरी वीडियो में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद आपको और कुछ करना नहीं है, चैनल चार्ट भी सब हमारा तैयार, और फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज डाल सकते हैं, लिंक दे सकते हैं आप अपना इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जो आप मन करें वो दे दीजिए। और यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कांटेक्ट करे तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस चाहे तो दीजिए। और फिर सब कुछ होने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में पब्लिश करके दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे पब्लिश पे जूम करके थोड़ा, पब्लिश पे जूम करने के बाद यहाँ पे चैनल का लिंक आप चाहे तो कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे और फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो ये अब पब्लिश हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा ये। तो लगता है हो गया। तो नीचे देख सकते हैं आप चेंजेस पब्लिश, गो टू चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, तो आपका काम हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।
पता है मुझे आप लोग जरूर कर दोगे, बस याद दिला रहा था। चलिए बाय।